पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ़ पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस बिकॉज द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस इज़ द इसेंशियल स्पीयर ऑफ पोलिटिकल सोशोलॉजी सोसाइटी के अंदर जब वायलेंस आ जाए और फिर वायलेंस लिंक्ड हो जाए बाकी एंगल्स के साथ साथ पॉलिटिक्स के साथ भी अटैच हो जाए तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी कंसर्निंग एरिया फॉर द डिसप्लिन ऑफ पोलिटिकल सोशोलॉजी क्योंकि पोलिटिकल सोशोलॉजी किस बात का इलम है पोलिटिकल सोशोलॉजी डायरेक्टली लिंक्ड है विद द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल विद द लाइफ ऑफ सोसाइटी एंड स्पेशली विद द कॉन्टेक्सट ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवेलपमेंट तो डेफिनेटली ये टॉपिक जो है पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस जो है ये सभी स्टूडेंट जो पोलिटिकल सोशोलॉजी के हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एरिया है and many philosophers they have contributed that when there is a protest whether in the history whether in the modern time period it is quite alarming for the whole system for the whole society because at, at uh, the initial stage when violence takes place sometimes it converted into the situation of war इफ़ द कॉन्फ्लिक्स आर नाट बीन हैंडल्ड एट द इनिशियल स्टेज दैन डेफिनेटली वैदर इट इज बिटवीन द स्टेट्स और वेदर इट इज़ विद इन द स्टेट दैन डेफिनेटली द सिचुएशन विल मूव टूवर्ड्स द सिचुएशन ऑफ वॉर और वॉर की यही सोशल थेरी है यानि वॉर की जो इनिशियल स्टेज है वो वायलेंस से या तशद से ही शुरू होती है वॉर अल्टीमेटली क्या है वायलेंस अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ही कहलाती है सो इन द केस ऑफ वायलेंस ओनली फोकसिंग ऑन द डोमेस्टिक एंड निगलेक्टिंग द इंटरनेशनल एरिना रिजल्टेड इन द फेलियर यानी अगर हम सिर्फ वायलेंस को इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझ लें कि किसी सोसाइटी में वायलेंस क्या है और हम ये ना समझें कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर वायलेंस कैसे ऑपरेट करता है वायलेंस की क्या सिचुएशन है तो ये इनकम्प्लीट स्टोरी होगी यानी अगर पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस को समझना है तो हमें दोनों ही कॉन्टेक्स्ट को माइंड में रखना है विद इन द स्टेट भी और इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी बिकॉज ओनली फोकसिंग ऑन द स्टेट एज यूनिट एनालिसिस लिमिट द डिस्कशन सर्कल ऑफ़ द इम्पॉर्टेंट ईशूज सच एज ह्यूमन राइट्स एब्यूज जिनोसाइड एंड द रोल ऑफ़ वॉरफेयर इन ब्रिंगिंग ग्लोबलाइजेशन आज की मॉडर्न वर्ल्ड में इन द ग्लोबलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट अगर कहीं एक जगह पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है तो उसका इम्पेक्ट उसका इन्फ्लुएंस जो है वो दुनिया के बाकी कोनों में भी हो रहा है तो डेफिनेटली आज वायलेंस को और पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस को सिर्फ विदिन द स्टेट कॉन्टेक्सट में नहीं समझना है हमें ये देखना है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट्स वॉलेशन हो रही है जहाँ जिनोसाइड हो रही है यानी लोगों को मारा जा रहा है किसी ख़ास पर्पस के लिए तो वहाँ भी ओवरऑल जो ह्यूमन बीइंग हैं क्योंकि लॉस उनका है तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व हो जाती है एंड द इशू बिकम्स द इंटरनेशनलाइज्ड इशू सो ऑन द अदर साइड सम स्कॉलर्स दे आर डिसएग्री with both of them and they think that a sociological neglect of war and specifically agar political sociologist sirf apni society ki baat karega aur war ko ignore karega aur sirf violence tak limited rahega to ye incomplete hoga regarding the understanding of the issue और issue को broader context में समझने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों ही dimension को at a time understand किया जाए और इसमें हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है चाहे वो कश्मीर के अंदर सिचुएशन है चाहे वो पैलेस्टाइन के अंदर मिडल ईस्ट के अंदर इशू है चाहे वो वायलेंस जो है या इंसानों का जो कत्ल आम है वो कहीं पर किसी भी नाम से हो रहा है उस सब को समझने के लिए यह ज़रूरी है कि हम ये देखें कि माशरे के अंदर क्या सिचुएशन थी माशरे ने उस पर कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया कि स्टेट अपनी अथॉरिटी को ऐसे यूज़ कर ले कि वो अपने ही लोगों का नुकसान करे और फिर दूसरे नंबर पर डेफिनेटली जो इंसानों के साथ जुल्म है अगर वो इंटरनेशनली रिकोगनाइज नहीं किया जा रहा तो अल्टीमेटली उससे क्या हो रहा है उससे फर्दर जो पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस है वो इनकलकेट होती है उसके लिए ज़्यादा सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है क्योंकि अगर लोगों के अंदर ये सेंस है सेंस ऑफ ड्रिफेसन है कि सिस्टम उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा चाहे वो सिस्टम उनका अपना है या इंटरनेशनल है ह्यूमैनिटेरियन लॉ इसीलिए ही डिज़ाइन हुआ था ना कि लोगों के मसाइल को इंसान समझकर डील किया जाएगा तो जहाँ जहाँ भी ह्यूमन बीइंग्स की इम्पॉटेंस को डिनाई किया जाएगा वहाँ पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस जो है वो तशद जो है वो ज़्यादा होगा कि ताकि अपनी आवाज़ को सुनवाया जा सके